पहले मजहब पे तो मुझे इतना लेक्चर दिया है, आपने कहा कि मौलवी कहते हैं ये मजहब से निकाले हुए लोग हैं। हमारे अंदर कभी फिरका देखा है? कभी खुसरों के अंदर सुना है कि ये खुसरे अलहदा रहते हैं तो सुन्नी खुसरे अलहदा रहते हैं और बाबी खुसरे अलहदा रहते हैं और जो ईसाई खुसरे हैं वो अलहदा रहते हैं? आपने हमेशा सुना कि खुसरे इकट्ठे ही रहते हैं। हाँ, मजहब पूछें तो सब कहेंगे मुसलमान, आगे किसी से पूछें तो कहेंगे बस मुसलमान एक ही है, मुसलमान की कौन सी किस्म। उन लोगों को आप कहते हैं कि तुम्हें मजहब का पता है? हमें मजहब सिखाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए ना कि खुद फिरकों में बटे हुए और जो इकट्ठे होके एक जगह पे रह रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि तुम लोगों में कोई फिरका क्यों नहीं भाई, तुम लोग फिरके में बटे हुए क्यों नहीं? और फिर अगर कोई फिरके में बटा हुआ, हमारे माशरे में पहले लोग फिरके में बटे हुए, फिरके के बाद फिर वो अमीर गरीब में बटे हुए कि एक अमीर शिया एक गरीब शिया, एक अमीर सुन्नी एक गरीब सुन्नी, एक गरीब भाभी एक अमीर भाभी। तो पहले हम फिरके में बटे, फिर हम अमीर अमारत और गुरबत में बटे, फिर अमीर जो लोग थे उन्होंने गरीबों पे कब्जा कर लिया, ठीक है, उनको अपना गुलाम बना लिया, अपना काम करवा रहे हैं, और उन्हीं गरीबों को जब ये डर है कि भी ये इकट्ठे ना हो जाए तो उनमें लड़ाई लड़वाने के लिए फिरके की फूट डाली, तो वो खुद फिरके की जंग में लड़े रहे और बाकी सारे बड़े आपस में बैठ के मीटिंगें करें, वो आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करें, वो मुजाकरात करें, वो बैठ के बामी मुजाकरात से मसला हल करें, तो जो गरीब बेचारा है जो उनकी गुलामी कर रहा है वो एक दूसरे को कत्ल व गारत में लगे रहें कि भी फिरका कत्ल कर दो, उसको जीने ना देना, ये इंसान है उसको जीने ना देना, मार डालो उसको। इस दुनिया से इंसान खत्म होकर सारे मर गए तो कौन जहाँ पे जिए, किसने जिंदा रहना? अपना झुंड जानवरों का देख रहे, इंसान को वो अल्लाह ताला कहते हैं निशानियां उनके लिए जो अकल रखते। अगर हम इर्द गिर्द जानवरों को देखें ना, अल्लाह ताला ने जानवरों के झुंड बनाया ना, देखा कभी फिरके में लड़ते ही किसी, देखा एक कुत्ता दूसरे को काट खा रहा हूँ, या एक कुत्ता दूसरे को कह रहा हो कि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, या एक कह रहा हो कि मेरा काट तुमसे ज्यादा लंबा है, सारे इकट्ठे झुंडों में रह रहे। मतलब दिखाने का क्या था कि ये सारे जो स्पीशीज एक स्पीशीज है ना वो झुंड में रहती है, तो इंसान की स्पीशीज भी एक झुंड में रहती ना, इंसान भी इकट्ठे होकर रहते, लेकिन इंसान इकट्ठा होकर नहीं रहता। इंसान को ताकत का नशा, वो ताकत का नशा फिर उसे पागल करता है, फिर वो कहता है कि मैं इस ताकत के लिए क्या करूं, कैसे मैं करूं, कैसे मैं सबको मार डालूं, मैं कैसे किसी को कैसे इन पे कब्जा कर लूंगा। और खानी रोटी है चार टाइम की, अमीर ने भी चार टाइम चार रोटियां खा लेगा ज्यादा से ज्यादा, और गरीब भी उतनी रोटी खाता है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना कि अमीर सारा दिन बैठा रहता है तो उसके अंदर जहर बन के बीमारियां बन जाता है, गरीब वो रोटी खा के सारा दिन काम करता है तो उसका जिस्म का डीजल बन जाता है, अमीर को शुगर हो जाता है, अमीर को हेपेटाइटिस हो जाता है, अमीर को दिल के मसले हो जाते हैं, ठीक है ना, इतनी बीमारियां हो जाती हैं सुबह नाउज बिल्ला। गरीब को बुखार भी होता है तो वो चाय पीता तो उसका ठीक हो जाता है, अमीर को बुखार होता है तो वो बड़े अस्पताल में 36,000 का बिल बना एक ड्रिप लगवाने के लिए, एक टीका लगवाने के लिए, फिर उसकी बीमारी ठीक होती है।